रात के 2 बजे तबियत खराब हुई, मुझे उसको बुलाया और छोड़ गया कि यहाँ पे भर्ती करवा दी। और फिर उनके 4 मंजिल पे बेड नंबर 23 पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे 2 बजे से कोई भी डॉक्टर नहीं देखना है अभी तक। सरकारी अस्पतालों की बदहाली और इलाज में लापरवाही का ताजा मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का है, जिसका शिकार एक मासूम बच्चा हो गया। अस्पताल में बद इंतजामी के चलते एक बच्चे के सिर पर से पिता का साया उठ गया। पिता को खोने वाले इस मासूम का वीडियो सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल 11 साल का मासूम अपने पिता की तबीयत बिगड़ने पर देर रात जिला अस्पताल लेकर पहुंचा था। बच्चे के मुताबिक बीमार पिता को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर अगले दिन जब चेक करने पहुंचे तो उन्होंने मरीज को लखनऊ के अस्पताल में रेफर करने को कहा। इसके कुछ देर बाद ही बीमार पिता की मौत हो गई। रामचंद्र पांडे कहाँ रहने वाले थे? वही के ही ज्यादा दूर भी नहीं पर। तो रात के 2 बजे तबियत खराब हुई, तो मुझे उसको बुलाया और छोड़ गया कि यहाँ पे भर्ती करवा दी। और फिर उनके 4 मंजिल पे बेड नंबर 23 पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे 2 बजे से कोई भी डॉक्टर नहीं देखना है अभी तक। सुबह राउंड पे आते नहीं देखना है। और जब एक्सपायर होने को 10 मिनट बाकी थी तो कहना लखीमपुर वहाँ ले जाओ लखनऊ। तो ऐसी कौन सी ट्रेन है मैं बताओ जो 10 मिनट में लखनऊ पहुँचा देगी हमें? अब एक्सपायर हो गया, अब हमें ला के दे। आतिश पांडे। आखिरकार बच्चा अस्पताल प्रशासन से अपने पिता को वापस जिंदा लौटाने की बात कहते सुना जा सकता है। साथ ही सवाल करता है कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो 10 मिनट में लखनऊ पहुंचा देगी। मासूम जो सवाल उठा रहा है वो सिस्टम को झकझोर कर रख देगा। मासूम बच्चे का दिल पसीज जाने वाला ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सरकारी तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।